दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के कलरफुल वैक्सीन कार्ड किस प्रकार से बनाते हैं घर बैठे हुए अपने मोबाइल से। दोस्तों ये वैक्सीन कार्ड बिल्कुल फ्री है, आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से बना सकते हैं घर बैठे हुए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से बनाएंगे। बने रहिए हमारे आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कलरफुल वैक्सीन कार्ड बनाने के लिए आपको इस पेज पर आने होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। idcard.store आने के बाद यहाँ आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ आपसे कहा साइन अप विद गूगल। तो दोस्तों आप गूगल आईडी से साइन अप कर लेंगे, जो जीमेल आईडी होता है उसी आईडी से आपको साइन अप कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी रहेगा यहाँ पर शो होगा, तो आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप फाइनली इसमें लॉगिंग हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक मोबाइल नंबर देने के लिए, इस जगह में आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद फिर ओके करेंगे। तो देखिए हमने इसमें लॉगिंग हो गए पूरे सक्सेसफुली। सक्सेसफुली लॉगिंग होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है कार्ड का, तो उस कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्ड को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें वैक्सीन कार्ड बनाना है, तो हम ये वैक्सीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन खुल गए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो कोविन के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके यहाँ चॉइस फाइल पर क्लिक करके हम इसे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। दोस्तों अपने वैक्सीन की सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से एक दूसरे वेबसाइट पर आने होंगे, cowin.gov.in। इसके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वैक्सीन लेते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे, उस मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर जितने भी मेंबर में दिए होंगे उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पर शो होगा। तो चलिए हम यहाँ से ये वाला सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ शो सर्टिफिकेट शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर डाउनलोड का पॉपअप शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही हमारा सर्टिफिकेट फाइनली डाउनलोड हो गया है। चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए ये वाला सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बैक जाएंगे और फिर से उसी वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर पहले थे। आने के बाद यहाँ हम चूइस फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आपकी फाइल वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपसे ये नो यस कह रहा है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे, यस मेक इट। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमारे जो वैक्सीन कार्ड है कलरफुल वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये वाला दोस्तों हमारा फ्रंट है और ये वाला बैक कार्ड है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट पर क्लिक करने होंगे तो फ्रंट डाउनलोड हो जाएगा, बैक पर क्लिक करेंगे तो बैक डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके डाउनलोड कर लेते हैं। फिर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसी टाइप से बैक के ऊपर भी क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पॉपअप आएगा, फिर इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। चलिए आपको एक बार गैलरी में ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए हम गैलरी में आ गए। यहाँ से दोस्तों हम अपने गैलरी को ओपन करते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा वैक्सीन कार्ड शो हो रहा है, ये हमारा बैक साइड है वैक्सीन कार्ड का और ये वाला फ्रंट साइड है, जो कि इसमें सारे डिटेल्स आपको शो होंगे, नाम, आधार नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर होता है, आईडी नंबर होता है, वो सारे कुछ यहाँ पर शो होंगे। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, सब कुछ यहाँ पर शो होंगे। दोस्तों इस टाइप से आप अपने वैक्सीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास अगर कलर प्रिंटर है तो उसे प्रिंट करके लेमिनेशन करके रख सकते हैं, नहीं तो किसी शॉप पर जाके प्रिंट करा के लेमिनेशन करा के रख लेंगे। सो गाइस, आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।